नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे, सभी स्वस्थ होंगी। आज अपन जो चौथा पार्ट है अपना डेवलपमेंट बायोलॉजी का, उसके रिगार्डिंग आज अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ एक्स। कल जो थर्ड पार्ट था, उस थर्ड पार्ट में अपन ने देखा था, कल जो था थर्ड पार्ट और आज है अपना फोर्थ पार्ट। कल वाले पार्ट में आपने देखा था ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस या अंडे का निर्माण कैसे होता है। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखेंगे अंडे के प्रकार कितने हैं, ठीक है ना, प्रकार किसके देखेंगे, अंडे के कितने प्रकार होते हैं। देखो अंडे की जो प्रकार हैं या एग की जो टाइप्स है वो क्या है, अलग अलग कंडीशन के आधार पे है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला अपन देखेंगे कि कोई भी जो एग होगा, एग में एक पित्तक पाया जाता है जिसे अपन योक कहते हैं। क्या कहते हैं, योक कहते हैं, और योक को हिंदी में कहते हैं पित्तक। ये क्या है, एक न्यूट्रिशन जो कह सकते हैं अपन, न्यूट्रिएटिव लेयर होता है, भोजन का संग्रह होता है जिसे अपन पित्तक कहते हैं, योक कहते हैं, सभी के अंदर पाया जाता है। पित्तक में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे कॉमन मिलने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कॉमन जो सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक पदार्थ है वो कौन सा होता है, तो अपन देखेंगे फॉस्फो फॉस्फोलिपिड सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है योग के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए योग के अंदर फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड में सबसे कॉमन जो फॉस्फोलिपिड है वो कौन सा है, अलग अलग टाइप होते हैं फॉस्फोलिपिड के, चार पांच प्रकार है, उनमें से जो लेसिथिथल जो है वो फॉस्फोलेसिथल फॉस्फोलेसिथल ठीक है ना, ये सबसे अधिक मात्रा के अंदर इसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। आगे अपन देखेंगे कि जो पित्तक को अगर अपन डिवाइड करें, किस आधार पर डिवाइड करें, तो पहला अगर कंटेंट अपन रखें, पहला अंडे का जो विभाजन है वो आधार पर प्रकार जो है वो देखते हैं अपन, पित्तक की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ठीक है ना, कितनी अमाउंट है, किसकी अमाउंट, योक अमाउंट इन एग के आधार पर, ठीक है ना। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे इनमें से कॉमन आप देखोगे तो पहला आ जाएगा अपना एलेसिथल, ठीक है ना। ये जो है ना लेसिथल जो टर्म है ना, ये कहाँ से आया है, फॉस्फोलिपिड का जो टाइप है फॉस्फोलेसिथल, इसके आधार पर है। तो यहाँ पर पहला एलेसिथल है, इसे हिंदी में कह सकते हो आप ए पीत की। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कोई भी ऐसे अंडे जिनके अंदर पित्तक की मात्रा नामात्र की हो, है ना, नाममात्र, कोई रेयर पित्तक की मात्रा हो, उसे अपन क्या कहते हैं, एलेसिथल कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल आ जाएगा ह्यूमन, मनुष्य में इस प्रकार का एलेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाता है। सेकंड आप देखोगे माइक्रोलेसिथल, ठीक है ना, माइक्रोलेसिथल कह सकते हो, सूक्ष्म पीत की कह सकते हो आप इसे, ओलिगोलेसिथल कह सकते हो इसे, ओलिगोलेसिथल। अब इसके नाम से ही है, पित्तक पाया तो जाता है लेकिन कम मात्रा में,
कम मात्रा में पित्तक प्रेजेंट होता है तो आप उसे क्या कहोगे, माइक्रोलेसिथल कहोगे या फिर ओलिगोलेसिथल कहोगे। इसके अंदर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि किस में पाया जाता है माइक्रोलेसिथल, तो खास तौर से जो एम्फीबियंस वगैरह जो आते हैं या एम्फीऑक्सस है ना, इसमें तो मेसोलेसिथल पाया जाता है एम्फीबियन में तो, लेकिन यहाँ पर एम्फीऑक्सस एम्फीऑक्सस आपको सिर्फ एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया है आज तक का, तो वो सिर्फ ये पूछा गया है कौन से में किस प्रकार का है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया माइक्रोलेसिथल किस एग्जाम्पल में पाए जाते हैं, तो एग्जाम्पल आ जाएगा ये एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस के अलावा यदि आप देखोगे एक यूथीरिया, यूथीरिया आ जाएगा, इसके अंदर भी इस प्रकार का पाया जाता है। मेटा यूथीरिया आ जाएगा, मेटा यूथीरिया आ जाएगा। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा जिसका एग्जाम्पल आप देखोगे इकाइनोडर्मेटा का, तो सी अर्चिन, इकाइनोज कहते हैं इसे, इकाइनो, और इसे अरस्तु की लालटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो सी अर्चिन जो किसका मेंबर है, इकाइनो डर्मेटा का है, लेकिन अंडे के आधार पर कैसा है, माइक्रो लेसिथल या ओलिगो लेसिथल प्रकार का होता है। थर्ड अगर अपन देखेंगे, थर्ड प्रकार का पॉली ले सिथल, इसके नाम से ये पॉलीलेसिथल पित्तक की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, पॉलीलेसिथल कह सकते हो आप इसे, आप इसे मैक्रोलेसिथल कह सकते हो, मैक्रो ले सिथल कह सकते हो, आप मैक्रोलेसिथल के साथ साथ इसे मेगालेसिथल भी कह सकते हो, मेगा ले सिथल भी कह सकते हो, ठीक है। ये सभी नाम इसके हैं जिसके अंदर पित्तक की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पित्तक की मात्रा पाई जाती हो, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बेस्ट इसका जो एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो अपना आ जाएगा इंसेक्ट, कीटों के जो अंडे हैं उनके अंदर पित्तक की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद पक्षी, बर्ड्स में, और एक सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ये आ जाएंगे, ठीक है ना, और प्रोटोथीलियल मेमल्स, प्रोटोथीलियल मेमल्स ठीक है ये आ जाएगा। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे, एक अपन ने थोड़ा सा मिस कर दिया है बीच में, क्योंकि अपना एलेसिथल आ गया, माइक्रोलेसिथल आ गया, इसके बीच में आएगा एक मेजोलेसिथल ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अपन इसको कोशिश करते हैं, मेजोलेसिथल ठीक है। अब ये अपना कंटेंट हो गया, अभी तक अपन ने तीन टाइप के इसके पढ़े हैं।
अपना जो चौथा चाहे कहो आप, देखो यहाँ पे वैसे तो तीसरा प्रकार का है लेकिन चौथा टाइप का अपन कह देते हैं मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एग, ठीक है ना, जिसके अंदर ऐसे नाम से ही है मीजोलिथिक मध्य पित्त की, पित्तक की मात्रा मध्यम होती है, मध्यम होती है, ना तो पित्तक की मात्रा ज़्यादा होती है और ना कम होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, मीजोलिथिक कहते हैं। मीजोलिथिक का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो आ जाएगा अपना एम्फीबियंस, यहाँ पर आप एग्जांपल देखोगे एम्फीबियंस, ठीक है ना। एम्फीबियंस के अंदर मीजोलिथिक पाया जाता है, पेट्रोमाइजोन, एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट पूछने देखने को मिल जाएगा। और लंग्स फिश, लंग्स फिश, इसका मतलब तीनों जो कैरेक्टर हैं वो सेम रखते हैं, इनके अंदर इस प्रकार का पाया जाता है मीजोलिथिक, एम्फीबियंस है, पेट्रोमाइजोन हो और लंग्स फिश है, मतलब जो पानी के अंदर भी और बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं उनके अंदर इस प्रकार की मात्रा पाई जाती है। मीजोलिथिक का मतलब होता है, यहाँ पे अपन देखेंगे कि ऐसे जीव हैं जो दोनों कंडीशन में रहते हैं, किस में रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तो जल के अकॉर्डिंग कम पित्तक की मात्रा होनी चाहिए, स्थल के अकॉर्डिंग पित्तक की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, स्थल के ऊपर देखोगे आप तो ड्राइनेस ज़्यादा है, ड्राइनेस ज़्यादा है तो पित्तक की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे बर्ड्स देखेंगे अपन, इंसेक्ट देखेंगे, रेप्टाइल्स देखेंगे, सभी कैसे रहते, स्थल पर रहते, स्थल पर रहेंगे तो उनकी पित्तक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और पानी में रहेंगे तो पित्तक की मात्रा कम होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों को मिक्स करके कैसा पित्तक बना है, मध्यम पित्तक बना है, ना ही तो पित्तक की मात्रा ज़्यादा है ना ही पित्तक की मात्रा कम है, तो इसे क्या कहते हैं, मीजोलिथिक कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है एम्फीबियन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्रॉग के अंदर किस प्रकार का एग पित्तक के आधार पर पाया जाता था, आप कहोगे मीजोलिथिक प्रकार का पाया जाता है। सेकेंड टाइप अगर आप देखोगे सेकेंड प्रकार का है पित्तक के वितरण के आधार पर, योक डिस्ट्रीब्यूशन, योक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पित्तक के वितरण के आधार पर कि कोई एग है, एग के अंदर पित्तक की मात्रा कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, ये कोई एग है इसमें पित्तक की मात्रा सपोज यहाँ ज़्यादा पाई जाती है या यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है या सेंटर में ज़्यादा पाई जाती है या चारों तरफ ज़्यादा पाई जाती है, तो पित्तक की मात्रा कहाँ कम कहाँ अधिक पाई जाती है उसके वितरण के आधार पर सेकेंड जो वर्गीकरण है वो आ जाएगा योक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एग के प्रकार, एग टाइप्स। यहाँ पे अपन देखेंगे पहला प्रकार का कि किस प्रकार की इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है, तो पहला आ जाएगा आइसोलिथिक, इसके तो नाम से ये आइसोलिथिक मतलब समान रूप से वितरित रहता है, ऐसे वाले अंडे को क्या कहते हैं, आइसोलिथिक के नाम से जानते हैं। इसी को दूसरा नाम अगर अपन कहें तो होमोलिथिक कह सकते हो,
होमोलेसिथल एग कह सकते हो, ठीक है ना। इसके नाम से ही है कि इसकी जो मात्रा है वो सब में पूरे अंडे में समान रूप से वितरित रहता है ना, इक्वल इस प्रकार से, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। तो इस प्रकार के जो अंडे हैं उसे क्या कहते हैं, आइसोलेसिथल के नाम से जानते हैं, जो खास तौर से पाया जाता है जो माइक्रोलेसिथल प्रकार के जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये एग्जाम्पल में देखोगे आप तो माइक्रोलेसिथल एग वाले जीवों में एग। तो यहाँ पे देखेंगे माइक्रोलेसिथल जो है किसमें पाया जाता है, एम्फियोक्सस, यूथीरिया, मेटाथीरिया, इकाइनोडर्मेटा, किसमें, सी अर्चिन। तो सी अर्चिन पाया जाता है, तो उनके अंदर माइक्रोलेसिथल प्रकार का अंडा होता है और इनमें वितरण के आधार जो है वो कौन सा है, आइसोलेसिथल है या होमोलेसिथल है, समान रूप से जो पित्त की मात्रा है वो वितरित रहती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे कि वितरण के आधार पर इसमें टीलोलेसिथल का मतलब होता है किसी भी एक जगह पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कोई एग है, एग के किसी भी एक किनारे पर पित्त की मात्रा जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, जैसे यहाँ पर पित्त की मात्रा अधिक है ये वाला, तो उसे क्या कहेंगे, टीलोलेसिथल। पित्त की मात्रा अंडे के किसी भी किनारे की तरफ एक जगह पर ग्रुप में पाया जाता हो तो उसे कहते हैं टीलोलेसिथल। एग्जाम्पल में यदि आप देखोगे कि किसमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा एम्फीबिया के मीजोलेसिथल, किसमें देखने को मिलता है, मीजोलेसिथल, जो अभी अपन ने देखा था मीजोलेसिथल किसमें पाया जाता है, एम्फीबिया में, एम्फीबियंस मेंढक वर्ग जो है उनके अंदर किस प्रकार का होता है, टीलोलेसिथल होता है, मीजोलेसिथल होता है। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रॉग में किस प्रकार का पित्त के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन या किस प्रकार का अंडे का स्वभाव होता है, तो आप कहोगे मेंढक में मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाता है। मीजोलेसिथल तो हो गया मात्रा के आधार पर, और यहाँ पे मतलब मात्रा के आधार पर, यहाँ पे ये किसके आधार पे हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, तो ये फ्रॉग का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्रॉग आपके सिलेबस में है इसलिए फ्रॉग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तीसरा प्रकार का यदि आप देखोगे इसी के अंदर दूसरा जो है टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल में या कुछ एक डिस्कोइडल प्रकार का अपन कह सकते हैं एग, डिस्कोइडल प्रकार का, इसी में एक एग्जाम्पल है, डिस्कोइडल एग जो किसमें पाया जाता है, खासतौर से जो बर्ड्स वगैरह हैं उनके अंदर पाया जाता है, इनके अंदर एक डिस्क बनती है, ठीक है ना, इसके अंदर डिस्क बनती है जिसे जर्मिनल डिस्क कहते हैं, जर्मिनल डिस्क कहते हैं, ठीक है ना। जर्मिनल डिस्क जो है होती कहाँ पे है कि पूरा जो अंडा है, ये वाला जो अंडा है इसके ऊपर साइटोप्लाज्म जो है, मतलब ये जो योक है ये पाया जाता है इस प्रकार से, अधिक मात्रा के अंदर योक पाया जाता है, उसके मध्य भाग में ऊपर की तरफ एक इस प्रकार की डिस्क पाई जाती है, साइटोप्लाज्म की एक डिस्क पाई जाती है इस प्रकार से, ये साइटोप्लाज्म की डिस्क है, इसमें ही क्या होगा, विभाजन होगा आगे, ये जो डिस्क होती है इसमें ही आगे जाके विभाजन होगा, इसी से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जैसे अपन देखते हैं मुर्गी का जो अंडा है, बर्ड्स हैं इनके अंदर सब में सेम देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, तो यहाँ पर जो है डिस्कोइडल जो एग है वो किसमें पाया जाता है, ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है कि डिस्कोइडल जो एग है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे डिस्कोइडल देखोगे सबसे पहले तो बर्ड है, बर्ड्स है,
रेप्टाइल्स है, सरीसृप, ठीक है ना, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इसके अलावा प्रोटोथीरियन मैमल्स है, प्रोटोथीरियन मैमल्स में पाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये टर्म जो है और ये टर्म है, डिस्कोइडल जो एग है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, प्रोटोथीरिया मैमल्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें एक जर्मिनल डिस्क बनती है, साइटोप्लाज्म की बनी होती है ये, ठीक है ना। पूरे में तो क्या होता है, योग की मात्रा अधिक होती है, इसके अंदर क्या होता है, पितक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है पित्तक, और उसी के ऊपर साइटोप्लाज्म की छोटी सी एक प्लेट के रूप में पाई जाती है, छोटी सी एक परत के रूप में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, जर्मिनल डिस्क कहते हैं। साइटोप्लाज्म की एक परत होती है जिसमें लगातार विभाजन होने के निषेचन के पश्चात, इसमें विभाजन होने के कारण से यहाँ से क्या बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, बच्चा बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल इसका आ जाएगा। इसके अलावा एक आप देखोगे सेंट्रोलेसिथल एग, ठीक है ना, अभी आइसोलेसिथल हो गया, टीलोलेसिथल हो गया, डिस्कोइडल एग हो गया, एक आ जाएगा अपना सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, है ना। यहां पे अपन क्या कह सकते हैं, केंद्रीय पीत की, इसके नाम से ही है कि कोई भी ऐसा अंडा जिसके अंदर केंद्र भाग में पित्तक की मात्रा पाई जाती हो, ये पित्तक की मात्रा है, पित्तक जो है यहां पर केंद्र भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है, पित्तक आप केंद्र भाग में। इसका मतलब अपन यहां देखेंगे कि जो बाहर की ये जो परत है, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, इसका मतलब एक सिंगल परत के रूप में यहाँ पर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस प्रकार का जो अंडा है उसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ योग होगा वहाँ वहाँ तो विभाजन होगा नहीं, यहाँ पर क्या है, योग है, पित्तक है, और जहाँ पित्तक होता है वो क्या करता है, विभाजन को रोकता है, जो क्लीवेज का टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि क्लीवेज या विदलन को रोकता है। इसका मतलब इसमें जो विदलन होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, पेरिफेरियल विदलन होगा, इस प्रकार से ये क्या है, विदलन होगा। साइटोप्लाज्म यहीं पर है तो विदलन भी कैसा होगा, सुपरफिशियल विदलन होता है इनके अंदर, सुपर फेशियल क्लीवेज, प्रीदीय विदलन होता है, पित्तक की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, पित्तक अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, और पित्तक कहाँ पे होता है, केंद्र में पाया जाता है, केंद्र में पित्तक पाया जाता है। एग्जाम्पल आप देखोगे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा इंसेक्ट, है ना, जितने भी जो कीट हैं उनके अंदर पित्तक की मात्रा अधिक पाई जाती है, और इनके अंदर इंसेक्ट में सेंट्रोलेसिथल पाया जाता है और सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। दोनों टर्म ही कैसा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सुपरफिशियल क्लीवेज है और सेंट्रोलेसिथल पित्तक है, इस प्रकार की पित्तक बीज के अंदर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे आप देखोगे कवच के आधार पर, ठीक है, यहां पे आप देखोगे कवच के आधार पर, तीसरा जो पॉइंट है वो अपना आ जाएगा सेल कवच के आधार पर,
ठीक है ना। अंडे में कवच के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला अगर आप कवच के आधार पर देखोगे तो पहला आ जाएगा क्लीडोइक एग, क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग का मतलब होता है इस ऐसे अंडे जिनके ऊपर कवच जो है वो हार्ड पाया जाता हो, कठोर कवच पाया जाता हो, तो ऐसे अंडों को क्या कहते हैं, क्लीडोइक अंडे के नाम से जानते हैं, जो खास और इनके अंदर पित्तक की मात्रा अधिक होती है, योग की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, सेल हार्ड होता है। और एग्जाम्पल में यदि आप इस प्रकार के देखोगे तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और इसके अलावा आ जाएगा इंसेक्ट, और एक और अपन देखेंगे तो प्रोटोथीरियन, ये भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो सबसे जो हार्ड अगर अपन देखेंगे तो चमड़े जैसी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस में पाई जाती है, रेप्टाइल्स में पाई जाती है। काफ़ी कठोर जो कवच है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। सेकेंड प्रकार का यदि अपन देखेंगे नॉन क्लीडोइक एग, नॉन क्लीडोइक एग, इसके तो नाम से ही है, इनका कवच जो होता है वो सॉफ्ट होता है, सेल सॉफ्ट प्रकार का होता है। और ये किस में पाए जाते हैं भाई, सॉफ्ट प्रकार का यदि है तो किस में पाया जाएगा, अगर ये पानी में पाए जाएंगे, एक्वाटिक जो एनिमल्स है, एक्वाटिक जो ओवीपेरस है, ओवीपेरस, उनके अंदर इस प्रकार के पाए जाएंगे। जैसे अपन देखेंगे एम्फीबियंस जो है अंडे अपने पानी में देते हैं, तो उनके पानी के जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, कमजोर कवच वाले होते हैं। इसके अलावा आप ये ह्यूमन वाला भी एग्जांपल लिख सकते हो, ह्यूमन का भी लिख सकते हो, या फिर कोई भी ऐसे मेमल्स जो बच्चे को देते हो, वीवीपेरस जो बच्चे को उत्पन्न करते हैं उनके अंदर हल्का सा कवच जो पाया जाता है वो भी इसी में आता है, नॉन क्लीडोइक एग के अंदर शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब वीवीपेरस मेमल्स शामिल किया जा सकता है, मेमल्स ये भी शामिल कर सकते हो आप इसके अंदर। इसके अलावा एग में जो मेम्ब्रेन है उनके आधार पर यदि आप देखोगे चौथा एग पर मेम्ब्रेन या झिल्ली, की उत्पत्ति या ओरिजन के आधार पर ठीक है ना। जैसे मान लो कि अपन देखेंगे कि भाई कोई एग है, ये एग है, एग के अंदर साइटोप्लाज्म है, यहां पे एग है और एग के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये इसका केंद्रक है। इसके चारों तरफ जो आवरण होता है, जैसे ये आवरण अगर अपन देखेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जितने भी जो खास तौर से एम्फीबियंस अपन कह सकते हैं, रेप्टाइल्स कह सकते हैं, उनके अंदर एक आवरण पाया जाता है एग के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर इसी को अगर अपन देखें अपने अंदर देखें, अपन मेमल्स के अंदर देखें, तो मेमल्स में इस आवरण को क्या कहते हैं, जोना पेल्यू सीडा।
मेमल्स में पाई जाती है जोना पेल्यूशिडा। इसके ऊपर अगर अपन देखेंगे एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं जोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा भी कहते हैं। इसके ऊपर एक इस प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं, कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं। इस प्रकार से इनके ऊपर अलग अलग आवरण पाए जाते हैं, अलग अलग झिल्लियाँ पाई जाती है, अलग अलग मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो उनका ये है कि इनका निर्माण कहाँ से हुआ है, निर्माण के आधार पर इनका अलग अलग विभाजन किया जा सकता है। जैसे पहला अगर अपन देखेंगे किसके आधार पर, सबसे पहला तो आधार आएगा कि इनका ऊसाइट के द्वारा निर्माण होने वाली मेम्ब्रेन, सबसे पहले ऊसाइट। तो पहले अपन लिखेंगे तीन प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, ये तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। पहले अपन लिखेंगे प्राथमिक झिल्ली, प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन ऑफ एग, जिनका ओरिजिन, इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है भाई, ऊसाइट। ऊसाइट का मतलब है जहाँ से एग बनेगा उसकी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऊसाइट बोलते हैं। तो ऊसाइट के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ के द्वारा एक मेम्ब्रेन बनाई जाती है, प्रथम मेम्ब्रेन, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक मेम्ब्रेन, प्राथमिक झिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा विटेलाइन मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल कौन सा जाएगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो अभी अपन बात किया ये विटेलाइन मेम्ब्रेन। और अपने अंदर अपन मेमल्स के अंदर बात करेंगे तो जोना पेल्यूशिडा, जोना पेल्यूशिडा, ये किसमें है भाई, मेमल्स में। मेमल्स में पाई जाती है जोना पेल्यूशिडा। जोना पेल्यूशिडा के अलावा एक मेम्ब्रेन और बताया मैंने आपको, जोना रेडिएटा, ठीक है ना, एक ही मेम्ब्रेन बताया मैंने आपको, जोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, ये भी क्या है, प्राथमिक मेम्ब्रेन है। और तीनों का निर्माण जो है कहाँ से होता है, उस साइट के द्वारा निर्माण किया जाता है। सेकंड अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी झिल्ली कह सकते हो आप, सेकेंडरी मेम्ब्रेन कह सकते हो, सेकेंडरी द्वितीयक झिल्ली के नाम से आप इसे जानते हैं। द्वितीयक झिल्ली में इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है भाई, ओवरी के द्वारा होता है, ओरिजिन कहाँ पे होता है, ओवरी और ओविडक्ट, ठीक है ना, इसका निर्माण कहाँ से होता है, ओवरी और, हाँ, ओवरी के द्वारा होता है। सेकेंडरी का जो निर्माण होता है वो ओवरी के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ के द्वारा होता है। एग्जाम्पल आप इसमें देखोगे तो पहला एग्जाम्पल आ जाएगा कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, ये जो अभी एग्जांपल बनाया मैंने आपको, ये रहा कोरोना रेडिएटा, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। और कोरोना रेडिएटा के ऊपर की तरफ जो अपने मेमल्स में पाया जाता है वो आ जाएगा कोरियोन, कोरियोन, ठीक है ना, इसका एग्जांपल आ जाएगा। तीसरी प्रकार की यदि मेम्ब्रेन आप देखोगे तो आ जाएगी टर्शरी मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर की तरफ आउटर में पाई जाती है, जिसका निर्माण खास तौर से कहाँ होता है, यूट्रस और ओविडक्ट में होता है। ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पे होता है, ओवी डक्ट, मतलब फेलोपियन ट्यूब, इसके अलावा
यूट्रस, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब दोनों के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एक तो एग्जाम्पल जेली कोट, जेली कोट जो सबसे बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है चिपचिपा सा जेली प्रकार का, उसे कहते हैं जेली कोट। इसके अलावा जो आवरण कवच पाया जाता है सेल कह सकते हो, और सेल की जो झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। इन सब का निर्माण कहाँ से होता है भाई? इन सब का निर्माण होता है टर्शरी प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, और इनका जो निर्माण होता है ओविडक्ट या यूट्रस के अंदर इसका निर्माण किया जाता है, ताकि अंडा है वो इजीली मतलब प्रोटेक्ट हो सके बाहर की तरफ। तो इसलिए हार्ड कवर भी यहीं बनता है, सेल का निर्माण भी यहीं होता है। इस आधार पे अपन ने आज देखा है, चौथी क्लास थी अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी की, जिसके अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी में ऊजेनेसिस के बाद बनने वाला जो एग है उस एग के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो इससे श्योर है अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके बाहर नहीं जाएगा, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी डेली रेगुलर क्लास लेते रहिए, और आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, या बायोलॉजी से किसी भी सब्जेक्ट से आप कहीं भी कर रहे हो, तो सभी स्टेट्स के लिए सबसे बेस्ट क्लासेस रहेगी। सभी अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर किया करो, ताकि डेली मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे डेली आप लोगों के लिए, आज जो ये डेवलपमेंट का पोर्शन है वो अपन कंप्लीट कर सके। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।